Good morning, students. Welcome to IFS. KIT Excel और KIT BT के साथ साथ Life Sciences, TIFR, MSc Interest, PSU Set, Assistant Professor Exam आदि के लिए. इस सेशन में हम IFS आपके लिए लेकर आए हैं Zoology को सेंटर रखते हुए पूरा सीरीज. लास्ट वीक में हमने सिस्टेमेटिक्स के साथ इनवर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन और बेसिस क्लासिफिकेशन की बात करी थी, और ठीक इसी तरह इस वीक में भी हम इसी कॉन्स्टिट्यूएंट को, इसी भी सीरीज को आगे पूरा कंटिन्यू करेंगे. सबसे पहले हम आज करने वाले हैं कोडेट के बारे में बात, फिर हम लार्वा फॉर्म्स, फिर कुछ कंपेरेटिव रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे. नीलम, पूर्णिमा, भावना, डॉक्टर रितु, वेरी गुड मॉर्निंग. आप सबका बहुत स्वागत है. बहुत जल्दी ही जुड़ जाइए अपने सेशन के साथ. आगे बढ़ने से पहले सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो आपके जरूरतमंद दोस्त, फ्रेंड, आपके कलीग्स, उनसे जरूर बताएंगे. गरिमा, वेरी गुड मॉर्निंग. तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के आज के सेशन को. लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे ड्यूट्रोस्ट्रोम्स की, और ड्यूट्रोस्ट्रोम्स में हमने एम्बुलेक्रिया की बात करी थी. मोनिका, वेरी गुड मॉर्निंग. एम्बुलेक्रिया में हमने देखा था कि जो इकाइनोडर्मेट्स थे, इकाइनोडर्मेट्स का सीधा रिलेशन हमने हेमिकोडेट के साथ एस्टेब्लिश किया था, और फिर हमने कोडेट में यूरोकोडेट और सेफलोकोडेट की बात करी. लेकिन एक ब्रॉड व्यू में हम देखें तो फाइलम कोडेटा का जो क्लासिफिकेशन है उसमें आपको एक सब फाइलम देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां क्या होगा कि जो रोड लाइक नोटोकोड है वो छोटी छोटी वर्टिब्रीज में कन्वर्ट हो जाती है. तो यहां से हम शुरू करते हैं सबसे पहले वर्टिब्रेटा के बारे में. इस सब फाइलम वर्टिब्रेटा के क्या क्या फीचर होने चाहिए. तो सबसे बड़ा फीचर जिसकी डिस्कस मैं अभी भी कर चुका हूं कि यहां क्या होता है कि जो रोड लाइक नोटोकोड है, जो नोटोकोड जो होती है रोड लाइक, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रीज में कन्वर्ट हो जाती है. वर्टिब्रीज में कन्वर्ट हो जाती. इसके अलावा आप देखोगे कि एक कैरेक्टरिस्टिक हेड आपको इनमें देखने को मिल जाएगा. आपको यहां एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, हालांकि जब हम एग्डाइसोजोन्स पढ़ रहे थे तो वहां हमने क्या देखा था कि वहां नेमेटोड्स हो, या फिर आपके पास ऑर्थोपोड्स हो, नाइकोफोरन्स हो, फोरोनिड्स हो, वहां आपको काइटिनस एक्सोस्केलेटन देखने को मिल रहा था. लेकिन कुछ मोलस्कस में हमने इंटरनल सेगमेंट, इंटरनल स्केलेटन भी देखा था, एब्सेंट भी देखा था सीपेल ओलिगो में. लेकिन यहां हम देखेंगे कि या तो आपके पास कार्टिलेज का बना हुआ, मतलब उपास्थि का बना हुआ कंकाल देखने को मिल सकता है, या फिर आपको बोन्स का बना हुआ स्केलेटन देखने को मिल सकता है. तो इस एंडोस्केलेटन का पाया जाना भी हम फाइलम या फिर सब फाइलम वर्टिब्रेटा के साथ रह सकते हैं. दूसरी बड़ी बात कि यहां कई सारे हॉक्स जीन का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे, मेनी हॉक्स जीन्स आप यहां देखेंगे. हॉक्स जीन किस तरीके से एक्सप्रेस होते हैं अपनी बॉडी के जो हेड एंड टेल एक्सिस है, उस हेक्स टेल एक्सिस के फॉर्मेशन में कई सारे जीन्स यहां इन्वॉल्व होते हुए दिख जाएंगे. ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि फेरिंजियल गिल स्लिट जो है वो आगे जाकर एव्स में, या फिर मैं कहूं कि रेप्टाइल से, मान लीजिए रेप्टाइल्स में से स्टार्ट होकर वो एव्स के थ्रू मेमल्स में जाएंगे तो लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, फेरिंजियल गिल स्लिट्स. पोस्ट एनल टेल, जहां टेल है वहां तो है, लेकिन हम जैसे प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में हम देखते हैं कि जो मंकीज में आपको देखने को मिल सकती है, मंकीज की बन बबून, चिंपैंजी सब में देखने को मिलती है, चिंपैंजी में नहीं होती, लेकिन हम में ये नहीं होते, लेकिन पोस्ट एनल टेल हाँ फीचर आपको देखने को मिल सकता है. हॉक्स जीन्स मींस करीमा कि ऐसे जीन्स जो अपनी बॉडी में जो पैटर्न होता है, बॉडी पैटर्न को, बॉडी के पैटर्न को एस्टैब्लिश करते हैं, बॉडी पैटर्न को एस्टैब्लिश करते हैं. कई सारे होमियोबॉक्स जीन्स होते हैं जो अपने अपनी बॉडी में कौन सा लाइटर, कौन सा
ऑर्गन अपनी राइट साइड आना चाहिए, कौन सा ऑर्गन अपनी लेफ्ट साइड आना चाहिए, कौन सा अपने एंटीरियर साइड आना चाहिए, कौन सा पोस्टीरियर साइड आना चाहिए, है ना, कौन सा लेफ्ट आना चाहिए, कौन सा राइट आना चाहिए। इन ऑर्गन्स का एस्टेब्लिशमेंट के लिए कई सारे ऑक्सीजन आपको यहाँ से एस्टेब्लिश होते हुए दिख जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि एक बेसिक आइडिया क्या है, एक बेसिक अप्रोच क्या है। अगर मैं फाइलोजेनेटिक कंस्ट्रक्शन मॉलिक्यूलर सीक्वेंस 16S आरएनए के सीक्वेंस पर देखूं तो एक एंसेस्टर ऐसा आपको देखने को मिलेगा जिसमें सबसे पहले क्या देखने को मिली, वर्टिब्रिज में देखने को मिली। हालांकि आपको यहां नोटोकोड भी देखने को मिल सकती थी। हाँ गरिमा, इसमें आप देखे, लास्ट टाइम देखा था हमने पेट्रोमाइजोन्स देखे थे हमने, और पेट्रोमाइजोन्स में पेट्रोमाइजोन हमने एम्फियोक्सिस में देखा था, माफ कीजिए पेट्रोमाइजोन नहीं देखा था। वर्टिब्रेट में हम देखेंगे कि सबसे पहले अपने पास कुछ ऐसा ग्रुप आ जाता है जहां दो ग्रुप आपको देखने को मिल जाते हैं। एक ऐसा ग्रुप जिनमें आपको किसी टाइप का जोज देखने को नहीं मिलते, और जोज नहीं होंगे तो आप उसको क्या कहेंगे, नाता खाएंगे। लेकिन एक ग्रुप ऐसा देखने को मिलेंगे जिनमें आपको जोज बहुत अच्छे से डेवलप होते हुए दिख जाते हैं, जिनको आप क्या कहेंगे, नेथोस्टोम्स कहेंगे। तो यहां क्या होते हैं, यहां जोज आपको देखने को मिल जाते हैं, जबकि यहां जोज जो होंगे वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, अगर ये एब्सेंट है तो उसके लिए हैगफिश एंड लैम्प्री आपके पास आ जाते हैं। फिर दूसरा नीलिए जिसमें जोज भी है, टीथ भी है और पेयर्ड फिन भी है, उस ग्रुप में देखो तो एक और आउट ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा, कॉन्ड्रिक्टीज, और कॉन्ड्रिक्टीज है तो वहां आपको कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन देखने को मिल जाएंगे। फिर एक ग्रुप ऐसा आएगा जिसमें आपको बोनी स्केलेटन देखने को मिल जाएगा, स्विम ब्लेडर देखने को मिल जाएंगे, इवन लंग्स का भी डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा, उसमें रिब फिन फिन्स आ जाती है आपके पास, कीलोकांथ लेटिमेरिया जो एक लिविंग फॉसिल होती है उसकी बात भी हम करेंगे, और साथ में हम कुछ एक्टिनोप्टेरिजी में डिप्नोइन फिशेस की भी बात करेंगे, जो कि लोब फिन फिन जो होगा वो लोब के जैसे हो जाएगा, फ्लैसी हो जाएगा, मांसल हो जाएगा, हम में आते आते तो आपको एक टिपिकल हैंड भी देखने को मिल जाता है। फिर आप देखेंगे कि एक एंसेस्टर और आता है, यहाँ लोब फिन एंसेस्टर वाला आ गया, फिर एक एंसेस्टर और आता है जिसमें इंटरनल लेयर होते हैं, नेजल ओपनिंग जो होती है वो इंटरनल जो फेरिंजियल कैविटी है वहां खुलते हुए देखने को मिल जाते हैं, उसमें लंग फिशेस आ जाती है, और फिर टेट्रापोड्स आ जाएंगे तो उनमें आपके एम्फीबियन देखने को मिल जाएंगे, फिर एमनियोटिक एग देखने को मिल जाएंगे तो उसमें एमनियोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एमनियोट्स में रेप्टाइल्स ईव्स एंड मेमल्स आपको उस एमनियोट्स में देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीजें, ये सारे के सारे ग्रुप है, इनके बारे में कुछ बेसिक फीचर और कुछ एडवांस फीचर आज के सेशन में हम करने वाले हैं। अंजू वेरी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि सब फाइलम में जो दो डिवीजन आपको देखने को मिलते हैं, एग्नाथा और नेथोस्टोमेटा, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिवीजन एग्नाथा की बात करता हूं, और एग्नाथा का सीधा सा मतलब ये निकालना है कि वहां वो वर्टिब्रेट, अभी यहां मैं कोर्डेट नहीं बोलूंगा, मैं यहां वर्टिब्रेट कहूंगा कि जो वर्टिब्रेट जिनमें जो लेस होते हैं उनको आप इसमें एग्नाथा में रखोगे, और इसमें आ जाते हैं साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स, साइक्लो का मतलब गोल, स्टोम्स का मतलब मुंह है, कि ऐसा माउथ जो कि सर्कुलर होता हो, ऐसा माउथ जो कि कैसा होता है, सक्टोरियल होता हो, जो सक्टोरियल होते हैं, और एक तरीके से ये जो बड़ी फिशेज होते हैं उन पर पैरासाइट के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाते हैं। पैरासाइट के फॉर्म में है तो इनमें पैरासाइटिक एडेप्टेशंस भी होगी। इसका मतलब यहां जो पेयर्ड फिन होने चाहिए थे वो यहां नहीं होते हैं, पेयर्ड फिन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इनमें आप देखोगे कि ये कार्टिलेजिन, कार्टिलेज का बना हुआ इनमें आपको एंडोस्केलेटन भी होगा, और यहां हर्ट भी कैसा होगा, टू चैम्बर्ड हर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, टू चैम्बर्ड हर्ट भी आप यहां देखेंगे। हाँ बिल्कुल गरिमा, वैष्णवी गुड मॉर्निंग, मनोरंजन गुड मॉर्निंग। हाँ इग्नाथा में जोज एब्सेंट होते, गणित बिल्कुल सही कहा। तो यहां अपना एग्जाम्पल जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं लैप्रे,
बिल्कुल, पेट्रोमाइजोन जिसको कहते हैं, एंड हैग फिशेस को मिग्जीन्स भी आप कह देते हैं। लैम्प्री एंड जो हैग फिशेस आ जाते हैं उनको आप एग्नाथा में रख देंगे। तो ये बात हुई एग्नाथा की। एग्नाथा के बाद में दूसरा डिवीजन जो आ जाता है वो आ जाता है नेथोस्टोम्स। और नेथोस्टोम्स में आप देखोगे बहुत बड़ी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहां आपको ये ऑर्गेनिज्म जबड़ों के साथ में देखने को मिल जाएंगे। और एक और बात कि यहाँ पेयर्ड अपेंडिजेस भी आपको देखने को मिलेगी। पेक्टोरल गर्डल से आपको आपको फोर लिम्ब देखने को मिल सकते हैं, पेल्विक गर्डल से आपको हिंड लिम्ब का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। एग्नाथा में जो ऐसा कैसे नीलम एब्सेंट होता है बेटा, एब्सेंट जो लेस बोला है ना मैंने, हाँ यहाँ उल्टा बोल दिया क्या, चलो जो एब्सेंट एंड साइक्लिक नेथोस्टोम्स में जो प्रेजेंट, थैंक यू नीलम। और फिर वही वही कहानी पूरी की, यहाँ कोई एंसेस्टर था, उस एंसेस्टर से हेगफिश और मिगफिश तो किसके में आ गए, ये तो एक बेसल ग्रुप के फॉर्म में आ गई, या जिसको मैं आउट ग्रुप कह दूं उस फॉर्म में आ गए। फिर धीरे धीरे ऑस्ट्रिकोन्थीज बनी, प्लेकोडम्स बनी, फिर आपको एकेंथोडियंस बनी। तो यहाँ तो आप देखेंगे स्टीम नेथोस्टोम्स आ जाते हैं, फिर क्राउन नेथोस्टोम्स में आपको डिप्लिन्स आ जाते हैं, टीलियोस भी सबसे ज्यादा डेवलप आपको देखने को मिल जाती है, कीलोकेंथ जो लेटिमेरिया होती है वो देखने को मिल जाती है, और डिप्नोइसेप्स वो ग्रुप है जिसके साथ जो टेट्रापोड लीनियज है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक एक करके इनकी हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम टेट्रापोड की जब बात करते हैं तो टेट्रापोड में अपने पास फिशेज सबसे पहले आ जाती है। फिशेज सबसे पहले, एक का मतलब एब्सेंट, नाथा का मतलब जोड़ से है। यहां ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनमें जॉज नहीं होते आप उनको एग्नाथा में रख देंगे। अब देखो आपके पास दो टाइप की फिशेज देखने को मिल रही है। एक जो फिशेज आती है वो होती है कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस फिश, और एक ऐसी फिश मिलेगी जो को कैसी होगी, बोनी फिशेस। एक कैसी होगी, बोनी फिशेस आपको देखने को मिल जाएगी। जो कार्टिलेजिस फिनिश फिशेस में है उसमें स्केट्स आ जाती है, रेज आ जाती है ना, मानता रे आपने इलेक्ट्रिक रे का नाम सुना होगा। बिल्कुल अंजू, यही बात तो हम कह रहे हैं बार बार, हम सब लोग यही कह रहे हैं। कार्टिलेजिनियस जो फिशेस होती हैं उनकी बॉडी पर आपको प्लेकोइड स्केल्स देखने को मिलते हैं, हेटेरोसर्कल टेल आपको देखने को मिलेगी, कि एक फिन आपको थोड़ा बड़ा एक छोटा देखने को मिल सकता है। कार्टिलेज जो आपका जो टिपिकल जो कह रहे प्लेकोइड स्कोल है वो कुछ आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, मतलब प्लेकोइड स्केल आपको यहां देखने को मिलेगा, हेटेरोसर्कल टेल आपको यहां देखने को मिलेगी। वहीं आप देखोगे बोनी फिशेज में तो वहां आपको साइक्लोइड या टीनोइड या गेनोइड आदि स्केल देखने को मिलेंगे, लेकिन कभी भी वहां प्लेकोइड स्केल देखने को नहीं मिलते हैं। यहां आप देख रहे हो कि माउथ जो है वो आपको वेंट्रल साइड की तरफ देखने को मिल रहा है, यहां माउथ आप देख रहे हो कि वो टर्मिनल या फिर आपको सब टर्मिनल भी देखने को मिल सकता है। कार्टिलेजिनस में आप देखोगे कि देखो यहाँ 5 से 7 पेयर, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स दोनों तरफ देखने को मिल जाएंगे। ये कैसे होंगे, ओपन होंगे, लेकिन यहाँ जो गिल्स होते हैं वो ओपर कुलम से कवर्ड रहते हैं, ठीक है, ओपर कुलम से कवर्ड रहेंगे। थोड़ा सा एनाटॉमिकल फीचर की बात करूं तो जो बोनी फिशेस होते हैं उसमें आपको स्विम ब्लेडर देखने को मिल जाएंगे, जबकि कार्टिलेजिनस में स्विम ब्लेडर्स नहीं होंगे। कार्टिलेजियस फिन में जो मेल होता है उसमें आपको क्लेस्पर देखने को मिल जाएगा, जबकि बोनी फिशेस में आपको मेल्स में क्लेस्पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिनके बेसिस पर आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और ये फीचर्स एग्जाम में आप बहुत आसानी से इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्डिक्विंटीज के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं कि कॉन्डिक्विंटीज में अपने पास क्या क्या आ जाती है। जैसे कार्टिलेज की बनी हुई कार्टिलेजिनस, इनमें एंडोस्केलेटन आ जाता है, प्लेकोइड स्केल इनमें आ जाएगा है ना, इनमें आपको क्रेनियल नर्व 8 to 10
क्रेनियल नर्व्स, हालांकि 10 क्रेनियल नर्व आपको देखने को मिल जाती है, वो भी आप लिखेंगे, क्रेनियल नर्व्स भी आपको देखने को मिल जाती है, और इवन हेटेरोसर्कल टेल इनमें बहुत ही प्रोमिनेंट रहते हैं, हेटेरोसर्कल टेल भी इनमें प्रोमिनेंट रहती है। इस ग्रुप को जो कॉन्ड्रिक्टीज बनती है, इस कॉन्ड्रिक्टीज को आप दो ग्रुप में बांट सकते हो, दो क्लासेस में आप इनको बांट सकते हो। क्लास याद रखेंगे, एक आती है इलास्मोब्रांक, इलास्मोब्रांक, एक आ जाएगी होलोसिफेली, होलोसिफेली। ये जी है जो इलास्मोब्रांक्स होते हैं उनमें साक्स आ जाती है, है ना। अभी मैंने बात की साक्स की, बात करी रेज की, बात करी स्केट्स की, बात करी स्केट्स, आप देखना गूगल करना, बहुत वैरायटी ऑफ साक्स आपको देखने को मिल जाती है, इवन सोफिस वो भी आपको यहां देखने को मिल जाती है। जबकि होलोसिफेले में आप देखेंगे काइमेरा, रेडफिश जिसको कहते हैं, सिर्फ एक ही जीनस है उसका रेडफिश, ये आपको होलोसिफेले में देखने को मिल जाएगी। इतना याद रख लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन कोडेड क्लासिफिकेशन से या फिशेस के संदर्भ में कोई गलत नहीं होने वाला है। कुछ और बातें भी करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे दूसरा, दूसरी क्लास की बात करें तो वो ओस्टिक्विंथीज आ जाती है। ओस्टिक्विंथीज में स्केलेटन कैसा होगा, बोनी होगा, टेल कैसी होगी, होमोसर्कल होगी। प्लेकोट स्केल के अलावा साइक्लोटिनोगेनोइड स्केल आपको वहां देखने को मिल जाएंगे, टू चैम्बर्ड हर्ट भी यहां देखने को मिल जाएंगे, टू चैम्बर्ड हर्ट भी यहां देखेंगे आप, और टू चैम्बर्ड हर्ट के साथ साथ दो अतिरिक्त चैम्बर साइनस मेनोसस एंड ट्रंकस आर्टियोसस भी आप यहां देखेंगे। किडनी यहां मीजोनेफ्रिक हो जाती है, मीजोनेफ्रिक किडनी आप यहां देखोगे कि किडनी के एक एंड पर यूरेटर, दूसरे एंड पर आपको मेल में स्टेस्टिस, जबकि फीमेल में ओवरी जुड़ी रहती है, जबकि उसी एंड पर आपको बाइलर कैनाल देखने को मिलेगी। यूरिनरी ट्यूबुल्स का नंबर यहां फिक्स होता है, मेटानेफ्रिक किडनी में ऐसा नहीं होता। यही आप देखोगे कि ए ग्रुप ऐसा भी आता है लंग फिशेस का जिसमें आपको थ्री चैम्बर्ड हर्ट देखने को मिल जाता है, थ्री चैम्बर्ड हर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि हम इस बारे में सर्कुलेशन और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका कंपेयर करेंगे तो वहां आपको और डिटेल में बताऊंगा इन चीजों को कि टू ओरिकल और वन वेंट्रिकल सिचुएशन में क्या डिफरेंस आता है। हाँ ये तो बता रहा हूं ना अंजू, मैं आपको डिफरेंस ही तो बता रहा हूं। ओस्टिक्विंथीज में बोनी एंडोस्केलेटन, कार्टिलेजिस और जो कॉन्ड्रिक्विंथीज होती है उसमें कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन, वहां हेटेरोसर्कल टेल या होमोसर्कल टेल, वहां प्लेकोइड स्केल या साइक्लोटिनोइड गैनोइड स्केल, ठीक है। ये आपको चीजें देखने को मिलेगी, और जो गिल होते हैं उसके ऊपर आपको ओपरकुलम भी देखने को मिल जाएगा, मेल में यहां क्लेस्पर देखने को नहीं मिलेगा, नो क्लेस्पर इन मेल, बट यहां आप देखेंगे कि स्विम ब्लेडर्स इनमें, स्विमिंग के लिए स्विम ब्लेडर्स जो है वो आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों फीचर्स आपको यहां से देखने कि कार्टिलेज के बारे में और जो बोनी फिशेस है उनके बारे में हम कितना डिफरेंस रख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि कुछ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसकी बात में आगे करूंगा, आज नहीं करेंगे, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम बात करेंगे। लेकिन उसके बाद में एक और सब क्लास आ जाती है डिप्नोई, जो बोनी फिशेस में आ जाती है, जिसमें आपके पास तीन जेनेरा है, नियोसिरोडोटस, प्रोटोप्टेरस एंड लेपिडोसायरन, जो कि कॉमन अपने एग्जाम में पूछी जाती है। और इन डिप्नोइन की खास क्या होती है कि ये एयर में ब्रीद कर सकते हैं, दीज फिशेस हैव एबिलिटी टू ब्रीथ इन एयर। सार्कोप्टेरिजी में इनको रखते हैं, सी होर्स, हाँ बिल्कुल, जो टीलियोस्ट होते हैं गरिमा, सी हॉर्सेज वगैरह उस पर रखते हैं। लोब फिनफिश होते हैं, ये लोब फिनफिश होते हैं, लोब फिनफिश होते हैं। लेकिन अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो डिप्नोइंस का इस बारे में आता है कि कितने जीनस आपको ओवरऑल जो डिप्नोइन फिशेज के देखने को मिलेंगे, तो लेपिडोसायरन, प्रोटोप्टेरस और आपको जो नियोसिरोडोटस है वो याद रखने हैं। जहाँ जो नियोसिरोडोटस है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है आपको ऑस्ट्रेलिया में, या फिर ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंट है वहां देखने को मिल जाएगी।
जो प्रोटोप्टेरिस्ट है वो आपको साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएगी, जबकि लेपिडोसायरेन जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, साउथ अमेरिका में। इधर लिख देता हूं मैं कि लेपिडोप्टेरिस कहाँ देखने को मिलती है, साउथ अमेरिका में आपको ये देखने को मिल जाएगी। अब यहां से आपको एक बात और समझना चाहिए कि जो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि पेक्टोरल गर्डल से फोर लिम्स और पेल्विक गर्डल का फॉर्मेशन से हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन बनता है, और यहां से जो फिशेज है किस तरीके से पानी से बाहर आई, बाहर आई तो एम्फीबियन बनी, एम्फीबियन बनी इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिन था हुआ करता था वो फिन अब किस में कन्वर्ट होगा, लिम्ब में। तो लिम्ब में जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ये भी आप इस तरीके देखने को मिल सकते हैं कि जो तीन पार्ट आपको देखने को मिलते हैं ह्यूमन में, आज ह्यूमरस है, रेडियस है, और जो रेडियस अल्ना के साथ साथ जो कार्पल्स है इनकी बात भी हम बात करेंगे अपने स्केलेटल वाले सिस्टम वाले एलिमेंट में, कि जहां पहले इंटीरियर इंटीरियर जो लिम्ब है वो स्टाइलोपोड होता है, मिडिल पोर्शन जाइगोपोड होता है, और टर्मिनल पार्ट ऑटोपोड होता है, वो किस तरीके से डेवलप होता है। तो कैट साग से लेकर आप देखते थे माउस में किस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है, वो भी एक इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है। हाँ मोनिका बिल्कुल मान सकते हैं, फिशेस एंड एम्फीबियन का कनेक्टिंग लिंक कह दीजिए या एक बेसल ग्रुप या आउट ग्रुप कह दीजिए, जो कि आपको एम्फीबियंस के साथ देखने को मिल जाते हैं, उनमें आपके तीनों के तीनों जो लंग फिशेस हैं आप उनको रख सकते हैं। फिन फिश कैसे पिछले वाले क्लास का, सर कैसे फिन, ईशा क्या कह रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो ये एक करेक्टरिस्टिक अगर फिन है तो इस फिन से किस तरीके से जो लिम्ब का डेवलपमेंट होता है उसकी बात भी हम यहाँ ज्यादा नहीं करने वाले, लेकिन इस तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फिर इस तरीके से क्या हुआ, लोब से लिम्ब का फॉर्मेशन हुआ, और लोब से लिम्ब का फॉर्मेशन हुआ इसका मतलब जो एक्वेटिक लाइफ थी वो अब कहाँ आ रही है, टेरेस्ट्रियल लाइफ में। तो आगे बढ़ने से पहले जो बुक कार्निवल के बारे में बात बता रहा था उसका ऑफर अभी भी आपको आईएफएस वेबसाइट पर 30% के साथ हमारा जो मेटर है नेट सेट गेट आई एट का वो आपको देखने को मिल जाएगा, एक छोटे से प्रोमो कोड बुक 30 से। हाँ इसमें क्वेश्चन, ये तो एक समझाने की बात थी, गरिमा आपको जो लेपिडोसायरन है तीनों के तीनों लेपिडोसायरन दे दी, लेपिडोसायरन प्रोटोप्टेरिस या नियोसेरोडोटस दे दी, और आपको उनके बीच में उनका रीजन का नाम पता लग गया कि कौन से रीजन में आपको ये देखने को मिल जाती है। आपको कार्टिलेजिनियस फिशेज और जो बोनी फिशेज है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पता लगा, पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ लोड फिर, एक तो रे फिन फिश होती है, एक लोब्ड फिन फिश होती है। रे फिन फिश में साक आ जाती है, लोब फिन फिश में अपने पास जो एडवांस सार्कोप्टेरिजी आ जाती है, एंटो माफ कीजिए जो एक्टिनोप्टेरिजी आ जाती है वो आ जाते हैं। टीलियोस में डिटेल में भी क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे क्लास में, जब टिपिकल जैसे कोई यूपीएचएससी या फिर जो आरपीएससी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स का सेशन होता है उसमें पढ़ेंगे, सेट में पढ़ते हैं, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट या पीजीटी का कोई एग्जाम होता है हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, यहां इतनी इंफॉर्मेशन अपने लिए काफी है। टेट्रापोड में आप देखोगे तो यहां आपको चार लिंब देखने को मिल जाएंगे, चार लिंब देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि लिंब आ गए तो टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए ये जो अडेप्टेशन है आपको यहां से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर अभी जैसे किसने कहा था कि लंग्स से, हाँ कनेक्टिंग मोनिका ने कहा था कि फिशेस जो एम्फीबियन है वो प्रोटोस्टेपस लंग, इसका मतलब ये जो टेट्रापोड होते हैं वो कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, वो डिराइव्ड होते हैं लंग फिशेस, डिराइव्ड फ्रॉम लंग फिशेस, लंग फिशेस से ही डेरिवेशन आपको इनका देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अब टेरेस्ट्रियल लाइफ आ गई तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टेट्रापोड का पहला ग्रुप। टेट्रापोड का पहला ग्रुप कौन है, एम्फीबियंस। एम्फीबियन में आप देखोगे कि मेटामॉर्फोसिस होता है कि एक जो है पहले एक लार्वा में कन्वर्ट होता है टेडपोल में, और टेडपोल के बाद में आपका देखने को मिलेगा एडल्ट लाइफ देखने को मिलेगी, जहां जो लार्वा होता है उसमें आपको प्रोनेफ्रिक किडनी देखने को मिलती है, एडल्ट में आपको मीजोनेफ्रिक किडनी देखने को मिलती है, ठीक है।
कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। जो लार्वा होते हैं उसमें आपको टेन देखने को मिल जाते हैं, वमरन टीथ देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो एडल्ट होते हैं उनमें आपको टेन रिड्यूस हो जाती है, लिम का डेवलपमेंट हो जाता है। वहां भी आप देखेंगे कि कई जो आई के जो पिगमेंट्स है वो भी आपको वहां कन्वर्ट होते हुए दिख जाते हैं, है ना। उनकी बात भी हम मेटामॉर्फोसिस में पढ़ते हैं। तो एमपीबीएम में हम देखेंगे कि तीन ऑर्डर आपके पास आते हैं, एनुरा, एपोडा एंड यूटेला। इसमें से सबसे पहले मैं बात कर देता हूं ऑर्डर एपोडा की। ऑर्डर एपोडा, और एपोडा में एक का मतलब एब्सेंट और पोडा का मतलब पैर, पोडा का मतलब लिम्स की। ऐसे एम्फीबियंस जिनमें लिम्स नहीं होते तो वो सिसिलियंस आ जाते हैं। इक्टियोफिश का नाम सुना आपने, सिसिलियंस इसका आ जाती है। इसका मतलब यहां लीग्स नहीं होंगे, नो लेग होते हैं, स्केल्स इनमें देखने को मिलेंगे, स्केल्स इनमें देखने को मिलेंगे, और इनमें टेंटेकल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं हेड पर, जो कि इनमें कीमोसेंसरी पर्पज के काम आए। ठीक है, इसके साथ साथ इनमें आपको वेनम ग्लैंड्स भी देखने को मिल जाती है, इनमें वेनम ग्लैंड्स भी देखने को मिल जाती हैं, और इनकी बॉडी पर आप म्यूकस सिक्रीशन भी आप यहां देखेंगे। ये कुछ बेसिक फीचर्स थे जिसके बेसिस पर आपको जो सिसिलियंस है उनको इस ग्रुप में रखा जाता है। आप इनको इंथियोफिस भी कह देते हैं। दूसरा ऑर्डर आएगा आपके पास, दूसरा ऑर्डर आएगा एपोडा। ए का मतलब एब्सेंट, पी का मतलब लिम्स, अच्छा जिसकी बात अभी कर रहे थे हम। दूसरा ऑर्डर चलते हैं, यूरोडेला की बात करते हैं। यूरोडेला कोडेटा भी कहा जाता है। यूरोकोडेटा का मतलब जिसमें आपको लिम्ब भी देखने को मिलेगी और टेल भी देखने को मिलेगी, मतलब लिजर्ड्स का जैसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन लिम्स की जो साइज है वो आपको वहां बिल्कुल इक्वल देखने को मिलेगी। इनके भी बॉडी के बाहर आपको पॉइजन ग्लैंड्स, डार्ट एरो फ्रॉग, हालांकि फ्रॉग से बात होगी, उसमें भी देखने को मिल जाते हैं, लिम्ब के जैसा अपीयरेंस इनमें होगा, और इनमें नियोटेनी भी आपको देखने को मिल जाती है, नियोटेनी भी देखने को मिल जाती है। न्यूटेनी इन द सेंस कि जो लार्वा होते हैं उन लार्वा में रिप्रोडक्टिव फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, कि लार्वा जो होते हैं एडल्ट में कन्वर्ट होने से पहले ही रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल ग्लैंडुलर स्किन है उनकी। सबसे बड़ा फीचर है कि एम्फीबियंस में स्किन जो होती है वो ग्लैंडुलर होते हैं। इसके अलावा इनमें हिडन गिल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। गिल्स भी कैसे होते हैं? हिडन होते हैं। ठीक है, तो फिर एग्जाम्पल सेलामेंडर्स, है ना, सेलामेंडर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा ग्रुप की बात करते हैं, एन्यूरा। तीसरा ग्रुप भी अपने पास कौन सा है? एन्यूरा। और एन्यूरा में हम देखेंगे कि चार लिंब आपको देखने को मिलेंगे, दो लिंब है, दो फोर लिंब है, लिम जो है लीप करने के काम आते हैं, फाइव लिम जो स्विम करने के काम में आएंगे। इनमें लिम्ब भी होंगे, टेल इनमें देखने को नहीं होंगे, लेकिन इनकी जो टेल है वो सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में ही आपको देखने को मिलेगी, एडल्ट स्टेज में आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें आपको देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो क्या इनमें जो कॉपुलेशन होता है वो होता है? बिल्कुल नहीं होता। इनमें होता है एम्प्लेक्सिस, जो मेल होता है उस मेल के फोल्डिंग में एक प्री होलेक्स होता है जिसको टिब्यू टार्सल आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो जब भी ब्रीडिंग सीजन आती है तो ये क्या करते हैं, इस टिब्यू टार्सल आर्टिकुलेशन या जिसको न्यूपचल पेड कह देते हैं, ये न्यूपचल पेड की मदद से फीमेल के ऊपर माउंट होता है, माउंट होकर उसकी बेली को प्रेस करते हैं, बेली को प्रेस करके एक रिदम है उसके साथ क्या करते हैं, फीमेल अपने जो ईग्स है वो रिलीज करती है, जबकि उन्हीं के ऊपर मेल अपने स्पर्म्स है उनको रिलीज कर देते हैं। तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसमें जितने भी फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रॉग्स जितने भी हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, फ्रॉग्स एंड टोड्स ऑर्डर एन्यूरा में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्लास की बात करते हैं, रेप्टिलिया की। और जब रेप्टिलिया की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेप्टिलियन स्कल के बारे में।
ठीक है। और रेप्टिल स्कल के बारे में एक छोटा सा आइडिया मैंने इनिशियली भी आपको दिया था कि जैसे मान लीजिए कि एक एक टिपिकल एक ये एक रेप्टाइल का मैं हेड मान लेता हूं, और इस रेप्टाइल हेड में आप देखते हो कि एक हमेशा आपको आई देखने को मिलती है, तो आई देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब वो कौन सा पार्ट होगा? ऑर्बिट। ऑर्बिट के ठीक बाद में आपको पोस्ट ऑर्बिटल देखने को मिल जाते हैं, ये कौन सा? ऑर्बिट के बाद के शील्ड, उसको आप क्या कहेंगे? पोस्ट ऑर्बिट कहेंगे, लेकिन कोई ओपनिंग नहीं होती है। उसके बाद में आप देखोगे कि दो, एक तो ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगी टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब नहीं कहूँ, टेम्पोरल शील्ड कह दूंगा, जबकि नीचे नीचे की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगी? स्क्वामोसल बोन, टेम्पोरल बोन, स्क्वामोसल बोन, पोस्ट ऑर्बिटल, ये तीन चीज याद रखोगे तो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन आपको याद हो जाएगा। अगर इस सिचुएशन में ऑर्बिट के अलावा किसी भी हेड में, रेप्टाइल स्कल में ऑर्बिट के अलावा कोई भी ओपनिंग नहीं है, कोई भी टेम्पोरल रीजन में या टेम्पोरल फोसा जिसको कहते हैं वो नहीं है, तो वो क्या कहला दिया जाएगा? एनएप्सिड। क्या कहला दिया जाएगा? एनएप्सिड। और एनएप्सिड में आप क्या देखोगे? एक ग्रुप आता है आपके पास, और वो कौन से आते हैं? टेस्ट्यूबियंस आ जाते हैं, टर्टल एंड टोर्टोइज जिसको कहते हैं, चिलोनियन जिनको कहते हैं, वो आपको इस ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए कि यही जो ओपनिंग है वो आपको दो देखने को मिल जाए, टेम्पोरल एंड स्क्वामोसल बोन में दो देखने को मिल जाए, तो मैं उसको डायप्सिड स्कल कह दूंगा। डायप्सिड स्कल कह दूंगा तो लेपिडोसोरा और क्रोकोडिलिया इसमें आ जाते हैं, साथ ही एव्स भी इसमें आ जाते हैं। अगर यही दोनों ओपनिंग फ्यूज हो जाकर एक फ्यूज हो जाती है तो इसको मैं क्या कह दूंगा? सिनेप्सिडियन स्कल कह दूंगा, जिस पर अपने पान कौन आ जाते हैं? मिमिलियंस आ जाते हैं। ठीक है, तो तीन टर्म याद रख लोगे, एनएप्सिड मतलब टेम्पोरल, और जो स्क्वामोसल बोन्स है उनके बीच में किसी प्रकार की कोई ओपनिंग नहीं है। एनएप्सिड का मतलब ये होगा, एक का मतलब एप्स, एक का मतलब एब्सेंट, ईशा, कि ऐसा स्कल जिसमें ऑर्बिट के अलावा कोई दूसरी ओपनिंग अवेलेबल नहीं है, एनएप्सिड हो जाएगा। अगर इस रीजन में दो ओपनिंग आपके पास है कि टेम्पोरल और स्क्वामोसल बोन के बीच में एक छोटी सी बार होती है, उस बार से सेपरेट घिरे होते हो, वो डायप्सिड स्कल हो जाते हैं, जिसमें मैक्सिमम रेप्टाइल्स आ जाते हैं। जबकि एक ऐसा ग्रुप जहां आपको दोनों जो स्कल है, या फिर मैं कहूं कि दो ओपनिंग होती है वो फ्यूज होती हुई दिखती है, वो क्या हो जाती है? सिनेप्सिड हो जाती है। उसका भी लिख लीजिए, पैराप्सिड आप पढ़ते हो, पैराप्सिड भी एक्सटेंट हो गए, उनकी बात भी हम वहां से करते हैं। तो यहां से आपको ध्यान रखनी है कि डायप्सिड स्कल आपको रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स और एज में देखने को मिलते, इसीलिए तो मेमाइल जो मेमल टेस्टुडियल एपिडोसर या क्रोकोडिलिया है, वो एक कैसा ग्रुप होता है? पैराफाइलेटिक ग्रुप होता है। क्या ग्रुप होता है? पैराफाइलेटिक ग्रुप होता है। ठीक है, सिंगल ओपनिंग है तो इसका मतलब वहां एनएप्सिड वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और रेप्टाइल्स में क्या क्या फीचर होते हैं? रेप्टाइल में आप देखोगे कि यहाँ सबसे पहले आपको एमनियोटिक एग देखने को मिल जाते हैं, यहाँ स्किन है वो बिल्कुल ड्राई देखने को मिल जाती है, स्ट्रेटम कोर्नियम आपको वहां देखने को मिल जाती है, तो कोर्निफाइड स्किन आप यहाँ देख सकते हो। कोर्निफाइड स्किन आप देखने को, एक जो थोरेसिक ब्रीदिंग है कि स्टर्नम के अलावा एपिस्टर्नम है, स्टर्नम एपिस्टर्नम का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है, तो थोरेसिक ब्रीदिंग जो है उसका वो थोरेसिक ब्रीदिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, हालांकि कंपेरेटिव सर्कुलेटर में इसको भी मैं डिटेल से बताऊंगा। यहाँ आपको मोनोकोंडाइलिक, मोनोकोंडाइलिक स्कल देखने को मिल जाएगा, मोनोकोंडाइलिक स्कल देखने को मिल जाएगा, कि जो अपनी वर्टिब्री है, जो फर्स्ट वर्टिब्री है एटलस, जो ऑक्सिपिटल कोंडाइल के थ्रू स्कल के साथ जुड़ती है, वहां ऑक्सिपिटल कोंडाइल कितने हैं? एक होते हैं, तो आप उसको मोनोकोंडाइलिक स्कल कहते हो। हालांकि लिजर्ट्स में ट्राइकोंडाइलिक होती है, स्टिक्स में डाइकोंडाइलिक होती है, लेकिन मैक्सिमम और रेप्टाइल्स जो बचे उनमें आपको ये कैसे देखने को मिलती है? मोनोकोंडाइलिक देखने को मिलती है। हर्ट यहाँ आप देखोगे कि तो थ्री चैम्बर्ड हर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन एनएफसिड्स में जो होंगे, चिलोनियंस में आप देखोगे तो यहाँ आपको पार्शियली जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो आपको पार्शियली डेवलप देखने को मिल जाएगा। इसकी बात भी मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में और आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा। फिर भी इसके अलावा 12 पेयर जो है वो आपको यहाँ क्या देखने को मिल जाएगी? क्रेनियल नर्व्स भी देखने को भी मिल जाएगी, क्रेनियल नर्व्स भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसी एक ग्रुप है क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल और इन क्रोकोडाइल्स में आप देखोगे कि वहां आपको फोर चेम्बर्ड हर्ट भी देखने को मिल जाता है। ठीक है,
ये चीजें समझ में आपको आनी चाहिए। अब अगर जिसको नहीं समझ में आया कि स्कल का पैटर्न कैसा है वो आप डायग्राम से समझ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एलिप्सिड है तो आप क्या देखोगे कि यहाँ ऑर्बिट, ये तो क्या है ऑर्बिट है, और ये नेजल ओपनिंग आता है, नेजल का भी पढ़ लेते हैं कभी कभी, जहां नोस्ट्रिल होता है वो नेस्ट्रिल हो गया, आई जहां होती है वहां ऑर्बिट हो गया। उसके अलावा पोस्ट ऑर्बिटल है ये है, ये आपके पास स्क्वामोसल है, ऊपर के पास आपके पास टेम्पोरल है। अगर यहाँ एक ओपनिंग है तो वो यूरेप्सिड, इक्थियोसोरस, प्लेसियोसोरस, ये सारे के सारे कैसे हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, इनकी बात भी नहीं करेंगे। लेकिन इसकी ओपनिंग आप देखो तो ये टेम्पोरल रीजन, पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोसल, स्क्वामोसल से बिल्कुल तीनों के बीच में फ्यूज है, तो ये क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। डायप्सिड की बात करो तो इस रीजन में आपको दो स्कल देखने को मिल जाते हैं, तो उसमें क्रोकोडाइल, एलिगेटर, स्नेक, लिजर्ड, टेरोपस, डायनासोर, बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और यही जो ओपनिंग है वो आपको नीचे नीचे जो सुप्रा ऑर्बिटल्स है, माफ कीजिए, हाँ सुप्रा ऑर्बिटल्स, ये सुप्रा ऑर्बिटल्स है, ये आपके पास पोस्ट ऑर्बिटल है, ये आपके पास स्क्वामोसल है, कि नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सिनेप्सिड हो जाएंगे। और ये इसमें कौन आ जाते हैं आपके पास, मेमल्स आ जाते हैं, मेमल्स आ जाते हैं। और इनका जो स्कल ओपनिंग का जो हाइलोनोमस जो एंसेस्टर है वो इसको माना जाता है, एंसेस्टर किसको माना जाता है, हाइलोनोमस। तो यहाँ सिनेप्सिड जो हो जाएंगे वो किसकी तरह काम करेंगे आपके लिए, एक आउट ग्रुप की तरह काम करेंगे, किसकी तरह काम करेंगे, आउट ग्रुप की तरह काम करेंगे। डायप्सिड और यूरेप्सिड दोनों आपके पास सेशस स्पीसीज की तरह काम करेंगे, ठीक है, जबकि एनेप्सिड भी आपको इस ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे। तो होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्नेक्स का ये पढ़ते हैं। इसी टाइम में आपको ये दोबारा, ये चीजें भी बिल्कुल सेम टू सेम है कि इवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ टाइम में कभी ये इवोल्व हुई। इसके बाद छोटी सी एक और बात काम की बात एग्जाम में पूछी जाती है कि स्नेक्स में, जो स्नेक्स में वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक्स हैं, नॉन वेनमस एंड वेनमस स्नेक्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। तो जब कभी भी हमें किसी एक स्नेक का आइडेंटिफिकेशन करना हो तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसकी टेल को देखेंगे, फर्स्ट टेल देखेंगे। अगर टेल उसकी सिलेंड्रिकल है तो ये पॉसिबल है कि वो वेनमस भी हो सकता है या फिर नॉन वेनमस भी हो सकता है। लेकिन टेल अगर पीछे से फ्लैट है, डोर्सो वेंट्रल प्लेट है, डोर्सो वेंट्रल प्लेट है, इसका मतलब उसमें वो स्विमिंग के लिए अडेप्टेशन होगी। और ऐसे स्विमिंग अडेप्टेशन आपको जनरली मरीन लाइफ में देखने को मिलेगी। तो मरीन लाइफ मतलब खारे पानी के, समुद्र के पानी के जितने भी सांप होते हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, सारे के सारे पॉइजनस होंगे, सी स्नेक्स आप उनको कह देते हैं, एनहाइड्रस वगैरह जाते हैं, हाइड्रोफिस वगैरह जाते हैं। तो जिनकी फ्लैट टेल है वो सारे के सारे कैसे होंगे, पॉइजनस होंगे। लेकिन टेल अगर सिलेंड्रिकल है, टेपर टेल है, सिलेंड्रिकल टेल है, तो वो पॉइजनस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। उस केस में आप क्या करोगे कि उस स्नेक्स के वेंट्रल स्केल है उनको देखोगे, सांप चल रहा है, सांप के नीचे के कौन से स्केल होते हैं वो देखोगे। अगर बेली स्केल जो है वो छोटे छोटे स्मॉल सोए साइज के हैं तो इसका मतलब वो स्नेक क्या है, नॉन पॉइजनस है। अगर बहुत ही नेरो बेली स्केल है, ये बिल्कुल देखो छोटे छोटे नेरी बेलो स्केल है, तो इसका मतलब पूरी तरीके से भी वो नॉन पॉइजनस है। लेकिन यही स्केल पूरे डोर्सल सरफेस तक एक्सटेंड हो रहे हैं, इसका मतलब वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, वेंट्रल एंड प्लेट, वो आपको पॉइजनस भी हो सकते हैं जैसे कोबरा के केस में होता है, और वो नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऑल सी स्नेक्स आर पॉइजनस, ये आप याद रखेंगे। फ्रेश वाटर स्नेक होता है ना, जिनोक्रोपिस पिस्कटर, जिसको फोलिया पिस्कटर भी आप कहते हैं, आपके आपके झील के किनारे आपको देखने को मिल जाते हैं, आपको कभी कभी जहां घरों के आसपास पानी में होते हैं वहां भी आपको देखने को मिल जाते हैं, वो कभी भी पॉइजनस नहीं होते। सी स्नेक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं। कोरल स्नेक भी सी में होते हैं तो उनको भी पॉइजनस आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल मोनिका, देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप समुद्र में जाओ तब टेल देखोगे ना, है ना। अगर आप टेरेस्ट्रियल धरती पर है तब तो सारे के सारे आपको जो सिलेंड्रिकल टेल वाले दिखेंगे, तो कंफ्यूजन से यहां से दूर नहीं होता है। फिर दूसरी बात जाती है इनके वेंट्रल स्केल्स को लेकर, अगर छोटे छोटे हैं तो भी नॉन पॉइजनस होते हैं, जैसे बोआ आपने सुना होगा, रेड सैंड बोआ है ना, इरिक्स जोना, कॉमन सैंड बोआ, इरिक्स कॉनिकस, गंगा एलिफिस कॉनिकस जिसको कहते हैं, बोगी जिसको कहते हैं ना,
छोटा सांप होता है ना, बिल्कुल वो लाल कलर का, मेरून कलर का एक सांप होता है, मोटा सा, दम्भी जिसको आप कहते हैं, पिल्ड जिसको आप कहते हैं, कई सारे नाम है, वो सारे नॉन पॉइजनस होंगे। फिर बेलिस के लिए जितने भी फैमिली कॉलोबिडी के सांप आ जाते हैं, रेड स्नेक वगैरह हुआ, ग्लोसी बेली ट्रेसर हुआ, है ना, कीट स्नेक होते हैं या फिर वोल्फ स्नेक होते हैं, वो सारे के सारे नॉन पॉइजनस होते हैं। लेकिन अगर यही वेंट्रल स्केल डोर्सल लाइन, डोर्सल सरफेस की तरफ एक्सटेंड हो जाते हैं, तब आपके पास एक कैटेगरी बन जाती है कि वह पॉइजनस भी हो सकते हैं, नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। नीलो सामने आएगा तो देखने के बजाय भाग जाएगा। बिल्कुल सही कहा नीलो, लेकिन भागना नहीं चाहिए। कोबरा की फ्लैट होती टेल नहीं वैष्णवी, कोबरा की कभी फ्लैट नहीं होती, कोबरा तो सिलेंड्रिकल टेल होती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है आप हेड ऑब्जर्व करना है। अगर हेड पर देखोगे कि शील्ड्स नहीं होकर छोटे छोटे स्केल्स है, तो इसका मतलब वो वाइपर है, फड़ जिसको कहते हैं, फड़ कहते हैं, ठीक है। और फर जो होता है वो एक हीमो टॉक्सिक स्नेक होते हैं, बेली बेली स्केल है ऐसा कि कोई स्नेक है, जैसे मान लीजिए ये स्नेक है, ऊपर के जो स्केल होते हैं वो तो डोर्सल स्केल हो गए, नीचे के स्केल जो क्या होंगे उनको बेली स्केल कह दूंगा, या तो वेंट्रल स्केल कह दूं या फिर मैं बेली स्केल कह दूं, है ना। अब जैसे माउस है, तो ऊपर की तरफ तो डोर्सल स्केल है, जबकि नीचे की तरफ क्या होंगे, वेंट्रल स्केल, या जिनको बेली स्केल कह दूं। अब हेड पर छोटे छोटे शील्ड्स है, अंगूठ अपना अंगूठा अंगूठा होता है ना, आगे से पतला, बीच में से मोटा, फिर पतला, तो इसका मतलब वो स्नेक क्या है, वाइपर है, ठीक है। हालांकि छोटे छोटे स्केल बोगी में भी होते हैं, लेकिन उसका हेड जो है वो ऐसा बीच में से फूला हुआ और आगे से सकरा नहीं होता, यूनिफॉर्म हेड होता है। अब एक चीज और देखिएगा, अगर ये नेजल शील्ड है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट से पहले प्री ऑर्बिटल आते हैं ना, प्री ऑर्बिटल, तो प्री ऑर्बिटल और नेजल के बीच में अगर कोई पिट है, कोई खड्डा है, जिसको लोरियल पिट कहते हैं, जो थर्मोसेंसरी होता है, उस थर्मोसेंसरी पिट अवेलेबल है, तो वो कौन हो जाएगा, पिट वाइपर। क्या हो जाएगा, पिट वाइपर। अगर इस पिट के साथ में दो या तीन लोरियल स्केल भी है, तो वो कौन हो जाता है, पाइथन। जो पाइथन होते हैं, अजगर होते हैं, वो कभी भी जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन पिट वाइपर जो होते हैं, वहां प्री ऑर्बिट और नेजल के बीच में लोरियल स्केल नहीं होता है, वहां आपको क्या देखने को मिलेगा, लोरियल पिट, ठीक है। तो वो भी कैसे हो जाएंगे, पिट वाइपर्स हो जाएंगे। अब तीसरी कैटेगरी की, उनकी हेड रीजन पर छोटे छोटे स्केल्स नहीं होकर बड़े सील्स हैं, जैसे ये आगे वाली जो हो जाती है वो इंटरनेजल होते हैं, मैं नाम बता रहा हूं आपको याद नहीं करना है, इंटरनेजल होते हैं। इसके बाद में आप देखोगे प्री फ्रंटल होते हैं, इसके बाद एक आपको देखने को मिलता है फ्रंटल, आगे प्री फ्रंटल, आंख के ऊपर, आंख से पहले सब ओक्यूलर, नीचे सब ओक्यूलर, आंख से ऊपर सुप्रा ओक्यूलर, आंख से पहले प्री ओक्यूलर, आंख के बाद में पोस्ट ओक्यूलर, ठीक है। और ये हो जाएंगे आपके पास पेरिटल, और उसके बाद हो जाएंगे ऑक्सिपिटल, पेरिटल के बाद में ऑक्सिपिटल सील्स होती है। वैष्णवी अपनी परवरिश इस तरीके से होती है कि हम सांप का नाम लेने से डर जाते हैं, है ना। दिक्कत अपने लालन पोषण की, बेटा अपने समाज की दिक्कत है कि हम क्या करते हैं, छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, उसी को सांप के नाम से डरा देते हैं। बट यकीन मानिए, आई हैव पीएचडी इन स्नेक्स, और इतना प्यारा जानवर है, इतना प्यारा जानवर है कि आपको यकीन नहीं होगा कि इतना इतना बिल्कुल डेलीगेट और इतना बिल्कुल शांत जानवर ही होते हैं। जो माइंड सेट हम पढ़ते हैं, इवन रिसर्च बुक पे नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं उनको कई कहानियों में, कई तरह के सीरियल्स में, जो नागिन वगैरह की कई कोई फिल्में आप देखते हैं, आपके सीरियल्स भी आते हैं आजकल नागिन को लेकर, जो कंसेप्ट जो अपने समाज में प्रिपेयर हो रहा है ना, वो एक डरावना है, जबकि एक्चुअल फीचर बिल्कुल अलग है। मुझे आज 11 साल हो गए स्नेक्स के साथ रहते हुए, बहुत प्यार जानवर होते हैं। कभी टाइम मिले तो आप जरूर आना, मैं आपको फील्ड में लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से स्नेक कितनी इजी होते हैं, है ना।
तो पेरिटल स्केल के साथ ऑक्सिपिटल। अब आप आओ कि हेड स्नेक को मैं लेटरल साइड्स पे देख रहा हूं, हाँ बिल्कुल वैष्णवी, यही बात हुई ना, जिसको आप डराओगे वो डरेगा। मैं आपकी गर्दन पकड़ू तो आप क्या करोगे? आपके पास दो रास्ते हैं। अगर मैं आपके गर्दन पकड़ू, आप मेरे लिए बिल्कुल अनजान है, मैं गर्दन पकड़ूंगा तो आप क्या करोगे? आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप छुटाकर भागोगे या फिर मेरी गर्दन पकड़ोगे, मतलब या तो डिफेंस या अटैक। और उन दोनों ही सिचुएशन में क्या आएगा? एग्रेशन। हम क्या करते हैं? सांप देखते हैं लाठी पटकते हैं, पटकते हैं नहीं पटकते, तो सांप या तो छूटकर भागेगा तो वहां अपनी पूरी एनर्जी लगाएगा, एग्रेशन दिखाएगा, या फिर वो अटैक में अपने ऊपर बाइट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, बट यकीन मानिए जितनी एनर्जी उनके पास होती है वो सारी एनर्जी बचाने के लिए करते हैं। बहुत रेयर केस में वो अटैक करते हैं, बाकी 99 केसेस में वो क्या करते हैं? डिफेंस। वो तो आदमी अपने उनको मजबूर कर देता है बाइट करने के लिए। बाकी स्नेक्स कभी भी एक एक, एक मतलब एक मैं कहूँ कि सब ऑप्टिमल सिचुएशन में कभी भी बाइट नहीं करते हैं, समझे। एमएससी मेरा 2012 से लेकर आज देखो 2022 चल रहा है, 10 साल हो गए स्नेक्स के साथ रहते हुए, मुझे कभी भी किसी स्नेक ने बाइट नहीं किया। एंड आई हैव हैंडल्ड हंड्रेड्स ऑफ स्नेक्स, पॉइजनस भी नॉन पॉइजनस भी। ठीक है, चलो अपनी बात थोड़ी अलग तरीके से जा रही है, वापस यहाँ नीचे आते हैं। तो लास्ट शील्ड होने के बाद में आप देखोगे कि थर्ड सुपरा लेबल। अब सुपरा लेबल क्या बला है इसकी बात करता हूं। देखिए मान लीजिए ये सांप है और ये मैंने इसका मुंह खोल दिया, ये टीथ मान लीजिए आप इसके। अब देखिए जो आई के ठीक नीचे वाला मतलब ऊपरा वाला जो लिप होता है उसके ऊपर कुछ स्केल होते हैं और नीचे वाले लिप पर भी कुछ स्केल होते हैं। ऊपर वाले स्केल जो है जबड़े पर उसको मैं कहूंगा सुप्रा लेबियल, नीचे वाले जबड़े पर या नीचे वाला जो लिप है उस पर जो स्केल होते हैं उनको मैं कहूंगा इन्फ्रा लेबियल। अब क्या होगा कि अगर कोबरा है तो कोबरा के केस में क्या होगा कि 1 2 3 4 फोर्थ स्केल ऐसा होगा जो सबसे लड़ा, अब माफ कीजिए थर्ड होगा, फोर्थ तो उसमें होता है, तो थर्ड सुप्रालेबियल जो होता है वो सबसे बड़ा होगा और वो न केवल आई के टच होगा बल्कि नेजल सिल्ड के भी टच होगा। तो आप ज्यादा मत फंसे, इतना याद रखेंगे कि थर्ड सुप्रालेबियल इज लार्जेस्ट, विच इज नॉट ओनली टच टू द आई बट ऑल्सो टू दी नोस्ट्रिल। आई और टच दोनों के टच होता है, आई और नोस्ट्रिल दोनों के टच होगा तो डेफिनेटली वो एक क्या होगा? कोबरा होगा। अब कोबरा है और आपने एक नाम और सुन रखा होगा किंग कोबरा, उसमें क्या डिफरेंस होता है? एक तो होता है कोबरा नाजा नाजा, एक होता है किंग कोबरा ओफियोफेगस हना। बिल्कुल, साउंड भी डिफेंस का पर्पज होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं नीलम। कभी कभी ऐसे भी बाइट करते हैं, नहीं नीलम ऐसे नहीं करते हैं। आपका वो आपने कोई अपने लाइफ में 2 या 3 या 4 5 बार देखा होगा और आपको बाइट करता हुआ दिखा होगा। किंग कोबरा था ओफियोफेगस हना, उसमें भी थर्ड सुपरा लेबल लार्जेस्ट होता है लेकिन जो ऑक्सिपिटल स्केल होता है उसकी रो आपको वहां एक्स्ट्रा बड़े बड़े इनलार्ज वहां ऑक्सिपिटल देखने को मिल जाते हैं। किंग कोबरा को देखना, साउथ इंडिया में होते हैं, साउथ इंडिया में होते हैं, उनमें जो ऑक्सिपिटल जो लोब्स होते हैं वो आपको बड़े बड़े देखने को मिल जाते हैं, उस केस में आप उसको कोबरा कह सकते हैं। दूसरा, अगर इसी वर्टिब्रियल इसी वर्टी मतलब डोर्सल स्किन है, वेंट्रल स्किन है, यहां सबसे बीच वाला स्केल डोर्सल साइड में सबसे बीच का स्केल उसको मैं कहूंगा वर्टिब्रल स्केल, और वो वर्टिब्रल स्केल अगर हेक्सागोनल है, कैसा? हेक्सागोनल, बेंचिन के जैसा, तो आंख मूंदकर उसको हम क्या करेंगे? करेत बुंगुरस सिरुलियस, सिंध करेत, पीवड़ा का नाम सुना होगा, बुंगुरस सिंधेनस, ब्लैक करेत या फिर बेंडेड करेत, बहुत सारे करेत आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर वर्टिब्रल स्केल हेक्सागोनल है तो वो क्या हो जाएगा? करेत हो जाएगा, वो भी क्या होगा? एक कौन सा करेत भी न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, कोबरा भी न्यूरोटॉक्सिक होते हैं लेकिन वाइपर होते हैं, रसस वाइपर, सो स्केल वाइपर, वो कैसे होते हैं? होते हैं। फिर आपके पास एक सिचुएशन और बन जाती है कि जिसमें आप देखोगे
इंफ्रा लेवल बहुत बड़े होते हैं, फोर्थ इंफ्रा लेवल बहुत बड़ा होता है, मतलब नीचे वाला स्केल एक जो होता है वो आपको लार्ज देखने को मिले तो आप उसको क्या कह देंगे, क्रेत कह देंगे। तो ओवरऑल मैं क्या कहूं, जो अपने एग्जाम में आने लायक चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं कि धरती पर 95% स्नेक्स ऐसे हैं जिनमें कभी भी कोई वेनमस नहीं होता। तो क्यों ना पॉइजनस स्नेक्स को याद कर लीजिए। तो पॉइजनस स्नेक्स को याद करने के चार तरीके आपके पास है। पहला, जिसका हेड अपने अंगूठे के जैसा दिखता है और ऊपर बहुत छोटे छोटे स्केल्स हो तो वो क्या हो जाएगा, वाइपर। दूसरा, अगर थर्ड सुप्रा लेबियल लार्जेस्ट होगा, आंख के भी टच होगा, आई के भी टच होगा, नोस्टल के भी टच होगा तो वो क्या हो जाएगा, कोबरा। अगर ओक्सिपिटल दो बड़े बड़े पेरिटल के बाद दो बड़े बड़े ओक्सिपिटल लोब और दिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा किंग कोबरा। अगर वर्टिब्रल स्केल, मिड वर्टिब्रल स्केल जो है वो हेक्सागोनल देखने को मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, करेत। अगर मैं कहूं कि प्री ओक्यूलर और नेजल के बीच में लोरियल नहीं होकर वहां एक पिट देखने को मिलेगा थर्मोसेंसरी तो वो लोरियल पिट, और पिट का नाम आता है सारे के सारे वाइपर्स। ये चार चीजें याद रख लोगे तो स्नेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो काफी बातें होगी स्नेक्स की, थोड़ा आगे चलते हैं। आगे अब बात करते हैं एव्स की। बिल्कुल अंजू, जो पटला जिसको आप कहते हो वो पटला जो होती है वो आप कहते हो एक लिजर्ड होती है ना, वेरिनस बेंगालेंसिस, कॉमन बेंगोल, इसको बेंगोल लिजर्ड भी आप इसको कह देते हैं, गोहरा जिसको हम कह देते हैं, वो एक नॉन पॉइजनस होती है। हाँ, ये बात अलग है कि उसके लार में कुछ प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि अपने जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज को डिजोल्व कर सकते हैं, टिश्यूज का एक लाइटिक इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो अपना हाथ या पैर काटना पड़ सकता है, बाकी कभी भी पॉइजन देखने को नहीं मिलता। धरती की एकमात्र जो पॉइजनस लिजर्ड होती है वो होती है हेलोडर्मा, जो ऑस्ट्रेलिया में होती है। ठीक है, गीला मॉन्स्टर का नाम सुना, गीला मॉन्स्टर हेलोडर्मा एक ही नाम है, सिर्फ उसमें ही वेनम ग्लैंड होती है, बाकी कभी भी किसी भी लिजर्ड में जो वेनम ग्लैंड आपको देखने को नहीं मिलती है। हाँ, पांडोल कह सकते हैं अंजू, वो आप लोकेलिटी के हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। वैष्णवी क्वेश्चन आपको पॉइजनस और नॉन पॉइजनस के बीच में पूछा जा सकता है कि नॉन पॉइजनस का फीचर क्या होता है, पॉइजनस का फीचर क्या होता है। फिर हम एव्स की बात करते हैं। एव्स में आप देखोगे कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें आपको फेदर क्लीट देखने को मिल जाते हैं, इनमें आपको देखोगे कि तो फोर लिंब है और लिम्ब है वो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, विंग्स में डेवलप होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ जोज जो होते हैं वो किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, बीक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इनमें बोन जो होती है वो न्यूमेटिक होती है, खोखली बोन्स होती है, ताकि इनमें न्यूमेटिक बोन्स आप देखेंगे, ताकि इनमें अडेप्टेशन बहुत अच्छे से हो। इनमें वॉइस बॉक्स जो होता है वो सिरिंग्स होता है, आपको वहां टेल में पाइगोजियल या फिर प्रीन ग्लैंड देखने को मिलती है, टीथ नहीं होते इनकी। इंटेस्टाइन में आप क्रोप देख सकते हैं, गिजार्ड देख सकते हैं जो कि फूड की ग्राइंडिंग का काम भी करते होते हैं, या आपको हर्ट है वो आपको फोर चेम्बर्ड देखने को मिल जाएगा, 12 पेयर आप वहां का देखेंगे, क्रीनियल नर्व देखेंगे, 12 पेयर आप यहाँ क्या देखेंगे, क्रीनियल ना। और यहां सिर्फ सिंगल लेफ्ट ओवरी ही आपको देखने को मिलेगी, सिंगल लेफ्ट ओवरी ही देखने को मिल जाएगी। यहां आपको फ्लाइट मसल्स बहुत ही अच्छे से देखने को मिलती है, फ्लाइट मसल्स बहुत अच्छी डेवलप देखने को मिलेगी, और फ्लाइट मसल्स का स्टर्नम के साथ एक अटैचमेंट देखने को मिलेगा जिसको कील कहते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी। वी से फर्कुला भी आपको देखने को मिलेगी स्नेक्स में, टी से इंटर जो वेंट्रिकुलर है, इंटरक्लेविकल है वो देखने को मिलती है। यहाँ आपको वी से फर्कुला देखने को मिलती है, एपिस्टर्नम आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल जाती है, लेफ्ट ओवरी जो है वो ही आपको यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, और फीचर की बात कभी टाइम मिला तब करेंगे। उसके बाद आप चलिए आगे, यहां से वर्टिब्रेट की बात हो गई, तो इसमें आप दो ग्रुप देखेंगे, दो ग्रुप आपको याद करने हैं। एक ग्रुप आ जाता है रेटिटी, रेटिटी में जितने भी फ्लाइटलेस बर्ड्स है, फ्लाइटलेस बर्ड्स है उनकी बात करी जाती है।
और इन फ्लाइट बर्ड्स जिसमें जैसे ओस्टिच आ गया, एलिफेंट बर्ड आ गया, कासोवरी है, एमू है, मोआज है, कीवी है, रिया है, टिनेमस है, ये आप पढ़ेंगे। और इन फ्लाइटलिस्ट जो है जिनका पेलियोग्लिथिक में, पेलियोग्लिथिक के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वैसे फ्लाइटलिस्ट बर्ड्स इसमें आ जाते हैं और नियोग्लिथिक में सारे के सारे अलग बर्ड्स आ जाते हैं। तो इस पेलियोग्लिथिक या रेटिटिव में आप देखोगे कि ये जो बर्ड्स है, जैसे मान लीजिए कि ओस्ट्रिच बर्ड है तो आपको ये अफ्रीका में देखने को मिलता है ना। रिया है जो आप देखोगे कि यहाँ साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा, एमू है वहां ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। तो इनकी लोकेशन जो है आपको अपनी बड़ी एग्जाम से पूछी जा सकती है, अपनी बड़ी एग्जाम से। कासोवरी है न्यूजीलैंड में, आपको है कीवी, माफ कीजिए, कीवी और मोवा दोनों का है न्यूजीलैंड में। तो इनकी लोकेशन कहाँ है, इन चीजों के बारे में पूछा जा सकते हैं। इनमें कील नहीं होती, फ्लाइट मसल स्किल्स के साथ अटैच नहीं होती, तो इनमें आपको लोकोमोशन, जो बाइपिडल लोकोमोशन ही देखने को मिलता है, ये उड़ पाते नहीं है। वैष्णवी, लिस्ट लड़के गलती नहीं है, आप किसी की बात कर ले तब ऐसे ही भागते हैं। जो बच्चा होता है 1.5 साल 2 साल का बच्चा, जिसको कुछ नहीं पता, वो जरूर उनको पकड़ सकता है। बाकी सब की जो स्ट्रेटेजी होती है वो ऐसी होती है कि लिजर्ड, छोटी सी गेको आप देखते हो, गेको को देखते ही लोग भाग खड़े होते हैं। ठीक है, अब फिर आ जाते हैं हम मेमल्स के पास। मेमल्स में क्या क्या होता है, इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनमें आपको हेयर क्लेड वाले देखने को मिल जाते हैं। इनमें आप देखोगे तो मेमरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिल जाती हैं, कि बच्चे जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट्स को न्यूट्रिशन देने के लिए जो फीमेल्स होते हैं उनमें एक्टिव मेमरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जो मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड होती है, इनकी बात भी करते हैं। या टीथ आपको हेटेरोडोंट टाइप के देखने को मिल जाते हैं, इंसाइजर कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ टीथ आपको थीकोडोंट देखने को मिल जाते हैं, कि बोन सॉकेट्स जो होते हैं, जो के सॉकेट्स होते हैं, वहां बोन आपको देखने को मिल जाते हैं। सब आते वैष्णवी, बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ आपको डाइकोंडाइलिक स्कल देखने को मिलेगा। डाइकोंडाइलिक का मतलब समझ गए, डाइकोंडाइलिक इन द सेंस कि यहाँ जो एटलस है, फर्स्ट वर्टिब्री है, वो अपने ब्रेन स्टेम के साथ, दो ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल के साथ जुड़ी रहती है। इसके अलावा यहाँ ईयर में देखोगे कि मेलियस इनका स्टेपीज, तीन आपको छोटी छोटी बोन्स देखने को मिल जाएगी, स्टेपियस एंड इनकस देखने को मिल जाती थी, इससे पहले कोलुमला ओरिस ही देखने को मिल जाती थी लिजर्ड एंड स्नेक्स में। फोर चेम्बर्ड हर्ट भी आप यहाँ देखेंगे, फोर चेम्बर्ड हर्ट भी आप यहाँ देखेंगे। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स, हाइपोग्लोसल एंड एसेसरी, दो आपके पास अलग हो जाएगी, दो नर्व 11वीं और 12वीं आपको देखने को मिल जाएंगी। प्लेसेंटा भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, हालांकि प्लेसेंटा के अलावा कुछ मार्सुपियल में मार्सुपियल्स भी आप देखोगे, और मोनोट्रिम्स में कुछ एगलिंग, मोनोट्रिम्स जो डगबिल प्लेटिपस है, एकाडना है, वहां आपको एगलिंग जो मेमल्स वो भी देखने को मिल जाएंगे। अरे वाह, वैसे वेरी गुड, कॉकरोच देख भागना चाहिए। तो यहाँ जो स्कल की बात में जो कर रहा हूँ, उसका डेवलपमेंट भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि जो स्नैपसिड्स होते हैं, अर्ली स्नैपसिड्स और अर्ली जो एडवांस स्नैपसिड्स है, उनमें ब्रेन में काफी सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। ये भी एक बड़ा टॉपिक अपने पास, जैसे यहाँ स्क्वामोसल बोन है और जो क्वाड्रेट बोन है, देखेंगे तो क्वाड्रेट बोन जो होती है यहाँ फ्यूज हो जाती है किसके साथ, जो तीन, अब जो इनर हाइड बोन के साथ अटैच होती हुई जो तीन वो है, जो स्टेपीज है वो भी फ्यूज हो जाती है। आर्टिकुलर एंगुलर डेंट्री जो है वो भी आपको एंगुलर जो होती है बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है, एंगुलर बिल्कुल नीचे वाले जबड़े के पास आती हुई दिख जाती है। ये भी एक स्कल का एवोल्यूशन के बेसिस पर भी हम मेमल्स को पढ़ सकते हैं। रनिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ाएंगे नहीं, हाँ गरिमा, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की भी, टैक्सोनॉमी के बाद में सेशन अलग से हम ले लेंगे, तो वहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि पूरे जो मेमल्स है उसमें सबसे पहले मोनोट्रीम्स आ जाते हैं, जिनमें प्रोटोथीरिया आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, ईग ले करते हैं, ईग ले करने वाले होते हैं। या आपको क्लोका देखने को मिल जाते हैं, एग्जाम्पल डकबिल प्लेटिपस और इकाइडिना, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ध्यान इतना रखना कि प्रोटोथीरियस में आपको
एक और बात की, वहां आपको योक सेक प्लेसेंटा भी देखने को मिलता है। योक सेक प्लेसेंटा आपने डेवलपमेंट में पढ़ा होगा, योक सेक प्लेसेंटा, योक सेक और कोरियोन मिलकर मदर की एंडोथेलियल के साथ ये जुड़ते हैं, इसलिए योक सेक प्लेसेंटा होता है। हमें होता है, हमें जो होता है बाकी के जो थीरियंस होते हैं उनमें कोरियोएलेंट्रस प्लेसेंटा होता है। तो प्लूटोथीरियंस के बाद में मेटाथीरियंस आ जाते हैं, मेटाथीरियंस में बच्चे देते हैं या एग ले करते हैं। मेटाथीरियंस में आप देखोगे कि पाउच भी देखने को मिल सकता है, वहां दो वेजाइना आपको देखने को मिलेगी, दो क्लाइटोरिस देखने को मिलेंगे, टू यूट्राई देखने को मिलेंगे। जब हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स में आप देखोगे तो वहां दो हेमिपेनिस देखने को मिलते हैं, दो हेमिपेनिस देखने को मिलते हैं। जब हम एनेप्सिड्स की बात करते हैं तो वहां आपको वर्टिकल वेजाइना देखने को मिलते हैं। कई सारे फिशेस और है जो हम यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ते हैं किसी एग्जाम को टारगेट करते हुए, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। मार्सुपियंस कैंगरूज इसमें आ जाते हैं। कोला का नाम सुना होगा आपने, कोला जो एक फूड जर्नलिस्ट एनिमल होता है, कोला भी इसमें रखे जाते हैं। ठीक है, हाँ वैष्णवी ह्यूमन फिजियोलॉजी भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद यूथीरियंस में हमारे पास सारे ट्रू मेमल्स आ जाते हैं जो सिर्फ बच्चे देते हैं, गिव बर्थ और फिर वो मैच्योर चाइल्ड में बन जाता है। यहाँ जो ट्रू प्लेसेंटा आपको देखने को मिल जाता है कौन सा, कोरियोन एलेंटोइस की, कोरियोन जो कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा आपको देखने को मिल जाता है। कोक्लिया जो होते हैं, जो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, वो भी हाईली रिड्यूस्ड यहाँ देखने को मिल जाते हैं। वैष्णवी ह्यूमन फिजियोलॉजी तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन अभी अपने पास जो स्केलेटल सिस्टम है उसको हम थोड़ा सा, स्केलेटल मसल हुआ या सर्कुलेटरी मसल हुआ या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ या फिर मस्कुलर सिस्टम हुआ, इन तो को थोड़ा सा हम कंपेरेटिव पढ़ेंगे, जो मैं इन्वर्टिब्रेट से लेकर कोर्डिटा तक सारा कंपेयर कराऊंगा। और इसमें भी आपको कार्पस कैलोसम की दोनों जो ब्रेन हेमिस्फीयर होते हैं उन हेमिस्फीयर को जोड़ने के लिए कार्पस कैलोसम भी आपको इनमें भी देखने को मिलता है। कंप्लीटली एंडोथर्मिक एनिमल भी इनको आप कह सकते हैं। कई सारे लगभग 16 ऑर्डर आपको इनमें देखने को मिल जाते हैं। इंसेक्टिवोरा हो गया जिसमें मोल्स हेजोक्स्ट्रू आते हैं, डर्मोप्टेरा आ जाते हैं जहाँ आपको फ्रुगिवोरस जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं। डर्मोप्टेरा में फ्लाइंग लंबूर्स आ जाते हैं आपके पास, फ्लाइंग लंबूर आ गया जेलियोपिथेकस। उसके बाद में कायरोप्टेरा में आप देखोगे कि कायरोप्टेरा में जो ईयर है, ईयर है, ईयर का ऑर्नामेंटेशन कैसे रहता है, वो फ्रूट पर अगर जो फेड कर रही है तो आप उनको मेगा कैरेप्टन में रख देते हैं, किसी इंसेक्ट पर प्रे कर रही है तो आप उनको माइक्रो कैरेप्टन कह रहे हैं। माइक्रो कैरेप्टन क्राइविसिस में रहती है, रॉक्स के अंदर बीच में अंदरी जगह पर रहती है, गुफा में रहती है। मेगा कैरेप्टन रहती है वो पेड़ों पर लटकी रहती है ना। ये भी कई फीचर्स आप इनमें देख सकते हैं, इको लोकेशन भी आप इनमें देख सकते हैं। उसके बाद में टीरोपस आ गया, वेस्पटीलियो, डेस्मोडस, ये सारे उसके एग्जाम्पल होते हैं। फिर रोडेंशिया आ जाता है, रोडेंशिया में आप देखोगे तो आगे वाले जो इंसाइजर होते हैं ऊपर और नीचे के आपको एक जोड़ी में देखने को मिल जाते हैं। फिर एक और ऑर्डर आकर आपके पास लोगोमोर्फा, लोगोमोर्फा में आप देखोगे कि वहाँ जो रैबिट है, कोनीज है, वो आ जाते हैं। वहाँ ऊपर वाली एक लेयर के अलावा दो पेयर आपको देखने को मिल जाते हैं, किसके, इंसाइजर के देखने को मिल जाते हैं, इंसाइजर्स के देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके अपने पास प्राइमेट्स हुआ, एरिट्रोडक्टाइला हुआ, पेरिसोडक्टाइले हुआ, इडेंटाटा हुआ, कई सारे ग्रुप है जिनकी बात हम पूरे डिटेल में यहाँ अपने लिए पॉसिबल नहीं है। और टाइम मिला तो हम एक एक फाइलम वाइज डिटेल क्लासिफिकेशन भी लेकर आएंगे। तो ये सब कुछ था हमारा कोडेटा तक। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ आपके इस लेक्चर में आप कुछ मिला होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस जो इंफॉर्मेशन अभी तक हमने पढ़ी, जहां से हमने इनवर्टिब्रेट से शुरू किया था और वर्टिब्रेट पे कोडिटा तक हमने एंड किया है, कई सारे बातें आपको, कई सारे एक एक वैरायटी ऑफ एग्जाम्स में आपको इनके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन मैंने कंसाइज तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। तो आज के सेशन में इतना ही, कल के सेशन में हम क्या करेंगे कि जो लार्वल फॉर्म्स है, जहां से हम पोरीफोर से शुरू करेंगे, पोरीफोर से लेकर कोडेटा तक जो जो लार्वल फॉर्म्स है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और लार्वल फॉर्म्स के बारे में पता है कि लाइफ साइंस में जो सीएसआर नेट का एग्जाम है उसमें कन्फर्म आपके पास एक 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। मोनिका, वैष्णवी, नीलम, भावना, बहुत अच्छा लगा आप लोग इतने चाव से नॉन जूलॉजिकल स्टूडेंट होकर भी पढ़ते हैं। आई अप्रिशिएटेड आप बहुत, आप सब लोगों की मैं अप्रिशिएशन। पंकज, यूर मोस्ट वेलकम।
ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, कल ठीक 11 बजे फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड हैव ए गुड डे।